हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वायरल एचआईवी इंटीग्रेस इनहिबिटर इज जिडोवुडिन, मैराविरॉक, राल्टेग्राविर, इन्फुवर्टाइड। तो इनमें से कौन सा है वायरल एचआईवी इंटीग्रेस इनहिबिटर? तो ये होता है राल्टेग्राविर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वायरल एचआईवी इंटीग्रेस इनहिबिटर होता है राल्टेग्राविर। एंड राल्टेग्राविर इज एन ओरली एक्टिव ड्रग दैट इनहिबिट्स द वायरल इंटीग्रेस एंजाइम। ठीक है, ये जिडोवुडिन होता है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एंड मैराविरॉक होता है CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, केमोकाइन रिसेप्टर टाइप 5 एंटागोनिस्ट। एंड इन्फुवर्टाइड होता है फ्यूजन इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर इज सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, जिगजैग ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर। तो इनमें से कौन सा है लार्ज स्केल कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर? तो ये होता है जिगजैग ब्लेंडर, ऑप्शन सी, जिगजैग ब्लेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्किलेटिंग एजेंट यूज एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग डॉक्सोरुबिसिन, मिथोट्रिक्सेट, विनब्लास्टिन, नाइट्रोजन मस्टर्ड। तो इनमें से कौन सा है अल्किलेटिंग एजेंट यूज एज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग? तो एंटी कैंसर ड्रग के, एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के अल्किलेटिंग एजेंट क्लास में कौन सा ड्रग आता है? तो इसमें आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन मस्टर्ड, डेन ब्यूसल्फान, थियोटेपा, डकारबेजिन, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, क्लोराम्ब्यूसिल, ये सभी होते हैं अल्किलेटिंग एजेंट। डॉक्सोरुबिसिन होता है एंटीनियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक। एंड मिथोट्रिक्सेट होता है एंटी मेटाबोलाइट, ये फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, डिहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनका एल्कलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई काउंट ऑफ WBCs इज एन इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ल्यूकेमिया, टाइफॉइड। तो इनमें से किस में WBC का काउंट बढ़ जाता है? तो ये होता है ल्यूकेमिया में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाई काउंट ऑफ WBCs इज एन इंडिकेशन ऑफ ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल? साइज 0, साइज 5, साइज 2, साइज 000। तो इनमें से कौन सा होता है लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल? तो ये होता है साइज 000। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 000 साइज होता है कैप्सूल का लार्जेस्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट साइज होता है साइज 5। 000 लार्जेस्ट साइज का कैपेसिटी होता है 950 mg। एंड साइज नंबर 5 जो स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है उसका कैपेसिटी होता है 100 mg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डेक्सामिथासोन, टायरामाइन, मैनिटॉल, हिस्टामाइन। तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन? तो ये होता है हिस्टामाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हिस्टामाइन यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, डेक्सामिथासोन होता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मैनिटॉल होता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, और ये टायरामाइन नेचुरल कंपाउंड होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगालोब्लास्टिक एनेमिया मे बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फिनिटॉइन टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इनटेक। तो इनमें से किससे मेगालोब्लास्टिक एनेमिया नहीं होता एक्सेप्ट पूछा है। मेगालोब्लास्टिक एनेमिया मे बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इनटेक से मेगालोब्लास्टिक एनेमिया नहीं होता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी फिनिटॉइन टॉक्सिसिटी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, इन सबसे होता है मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। लॉन्ग टर्म एस्पिरिन इनटेक इज नॉट ए कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनेमिया। ठीक है, एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन एंड अर्ली सिम्टम्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर रिंगिंग इन द ईयर्स एंड ब्लर्ड विजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? डी टाइप का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट PCI, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन होता है डी टाइप का चेयरमैन? तो ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन? डाइकोमेरॉल, विटामिन के, वारफेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट। तो इनमें से कौन सा है हेपेरिन एंटागोनिस्ट? तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
एंड वारफेन इन एंटागोनिस्ट होता है विटामिन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन और कैनामाइसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड? तो ये होता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन इज नॉट ए सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड्स? एक्यूट रेनल फेलियर, किडनी स्टोन, डायबिटीज इंसिपिडस, रेनल ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी। तो इनमें से कौन सा सल्फोनामाइड्स का कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है? तो ये होता है किडनी स्टोन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्बर्स डिसीज इज ड्यू टू अराइल सल्फेटाइज ए, सेरामिडेज, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो फार्बर्स डिसीज इज ड्यू टू सेरामिडेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलेंट लैक्सेटिव? ब्रान, सेना, स्टार्च और मिथाइल सेलुलोज। इनमें से कौन सा होता है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव? तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है सेना। सेना, बिसाकोडिल, ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होते हैं। देन ब्रान, मिथाइल सेलुलोज, ये बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स में आते हैं। ब्रान, मिथाइल सेलुलोज, साइलियम सीड, ये सभी होते हैं बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। देन लुब्रिकेंट लैक्सेटिव में कौन से आते हैं? तो ग्लिसरीन सपोजिटरी, मिनरल ऑयल्स, ये होते हैं लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। देन स्टूल सॉफ्टनर्स और सर्फेक्टेंट में कौन से आते हैं? तो इनमें आते हैं डॉक्यूसेट सोडियम, डॉक्यूसेट पोटेशियम, डॉक्यूसेट कैल्शियम, ये होते हैं सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट: इन्फ्लुरेन, केटामाइन, थियोपेंटोलेट सोडियम, प्रोपोफॉल। तो इनमें से कौन सा होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट? तो ये होता है थियोपेंटोलेट सोडियम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थियोपेंटोलेट सोडियम। ठीक है, ये इन्फ्लुरेन क्या है? तो ये इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक है, वोलेटाइल क्लास में आता है जनरल एनास्थेटिक के। केटामाइन प्रोड्यूसेस डिसोसिएटिव एनास्थेशिया। प्रोपोफॉल क्या है? तो ये आईवी जनरल एनास्थेटिक है एंड प्रोपोफॉल इज पॉपुलर डे केयर एनास्थेटिक। इट प्रोड्यूसेस इंडक्शन एंड मेंटेनेंस एनास्थेशिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज? टाइलिन, अमाइलेज, पेप्सिन और लिपेज। तो इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है अमाइलेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइलेज प्रोड्यूस इन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 years, 5 years, 3 years और 2 years। अल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्कोहलिक प्रिपरेशंस को मैक्सिमम 3 years के लिए वेयर हाउस में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास इज नॉट ए सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर पेरेंटरल्स, ओरल सोल्यूशन, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज और ड्राई पाउडर्स। The general purpose soda lime glass is not a suitable material for fabricating the container for. तो इनमें से किसके container के लिए the general purpose soda lime glass का use नहीं करते? तो ये होता है parenterals. Option A will be your correct answer. General purpose soda lime glass जो type 4 glass होता है, ये non-parenteral glass होती है। ठीक है, next question. Central register of pharmacist is maintained by state government, PCI, State Pharmacy Council, Drug Controller. Central Register of Pharmacist is maintained by PCI, Pharmacy Council of India. Option B will be your correct answer. ठीक, next question. Megaloblastic anemia occurs in. Megaloblastic anemia occurs in vitamin B12 but not folic acid deficiency, folic acid but not vitamin B12 deficiency, either vitamin B12 or folic acid deficiency, only combined vitamin B12 plus folic acid deficiency. तो इनमें से किससे होता है megaloblastic anemia? And the correct answer of this question is option C, vitamin B12 or folic acid deficiency. Option C will be your correct answer. Megaloblastic anemia occurs due to either vitamin B12 or folic acid deficiency. ठीक है, next question. Which of the following is not a tablet defect? Which of the following is not a tablet defect? Chipping, sticking, double impression or phase inversion. तो इनमें से कौन सा tablet defect नहीं है? तो ये हो जाएगा option D, phase inversion. Next question. The insecticide act was passed in the year
1960, 1968, 1965, 1967 द इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो कब बना था द इंसेक्टिसाइड एक्ट? तो ये बना था 1968 में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर लेबल्ड अकॉर्डिंगली आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। शेड्यूल आर, शेड्यूल जी, शेड्यूल पी, शेड्यूल सी एंड सी वन। तो कौन से शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर लेबल्ड अकॉर्डिंगली? तो ये आ जाएंगे शेड्यूल जी में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल आर में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए, पी वन होता है पैक साइज ऑफ ड्रग्स के लिए एंड सी एंड सी वन होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू पीसीआई बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव कमिटी, नन ऑफ दीज। सिक्स पर्सन्स फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन नॉमिनेटेड टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरीज, ड्रग इंस्पेक्टर, केमिकल एग्जामिनर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग्स कंट्रोलर। तो कौन होता है पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरी? तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।